जय माता दी, ओम दुर्गा दिव्ये नमः, ओम महासरस्वते नमः। मैं रमन शर्मा, विशिष्ट ज्योतिष केंद्र जैतो मंडी से। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु भक्ति आनंद। आपको पता है भगवती माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। आज नवरात्रों का पांचवा दिन है, जिसमें भगवती माँ की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। स्कंद माता माँ बच्चों को विद्या प्रदान करने वाली देवी है, इसीलिए इनको विद्यावाहिनी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवती पार्वती माँ ने कार्तिकेय की रक्षा के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसको वरदान था कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र से ही हो सकती है। इसीलिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध कलाओं में निपुण करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। स्कंद माता विद्या देने वाली माता है, युद्ध विद्या भी इसमें शामिल है। संतान प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा अनिवार्य है। आज स्कंद माता की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 6:15 से लेकर 9:15 तक है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सिंह शेर माता का वाहन है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं, घी का दीपक जलाएं और धूप दीप नैवेद्य माँ को अर्पण करें। एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी डालकर माँ के चरणों में अर्पण करें। आज के दिन माँ को कोई भी 5 प्रकार की मिठाई से भोग लगाएं। 1 नारियल पर लाल चुनरी बांधकर और नारियल पर श्री लिखकर माँ को वो नारियल अर्पण कर दें। जिन लोगों के संतान नहीं है, बार बार मिसगैरेज हो जाता है, आज के दिन भगवती माँ की प्रतिमा पर पंचामृत से स्नान करवाएं और वो पंचामृत को खुद पी लें। इससे भगवती स्कंद माता की कृपा आपके परिवार पर होगी और जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति होगी। ज्योतिष के अनुसार आज के दिन स्कंद माता की कृपा विशेषता 2 राशियों पर बरसेगी, जैसे कि मेष राशि और वृक्ष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। उनको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन मेष राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लोहे का व्यवसाय करने वाले लोगों पर भी आज के दिन स्कंद माता की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। मस्तक पर थोड़ा सा दही, चंदन और रोली का तिलक जरूर लगाएं। मेष राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे कि भगवती स्कंद माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पण करें, माथे पे रोली या चंदन का तिलक लगाएं और माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर मन में ओम एंग हलेंग क्लेंग स्कंद दिव्ये नमः, ओम एंग हलेंग क्लेंग स्कंद दिव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने से जो भी आपकी मन की मनोकामना है, भगवती स्कंद माँ जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करेंगी। खीर का भोग लगाएं, लाल केसरी रंग के वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहेगा। कला क्षेत्र में उनको भी सफलता मिलेगी। कोई भी काम करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर करें तो धन के नए अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन भगवती माँ के मंदिर में इत्र या सेंट अवश्य दान करें। रात के समय में मंदिर जाकर गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। जिनके पास लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वो आज के दिन 4 कमल गट्टे लेकर, थोड़ा सा लाल कपड़ा लेकर
उसमें बांधकर जहां वो पैसे रखते हैं अपने किसी गल्ले में या तिजोरी में उसको रखें। छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई जरूर दें। आज के दिन घर या दुकान की दक्षिण दिशा में लाल झंडा अवश्य लगाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल छठा नवरात्र है जिसमें कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। कात्यायनी माँ की कथा, इतिहास और पूजन की विधि हम आपको कल बताएंगे। और सभी जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि प्रातः जल्दी उठकर हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको उस नवरात्र की, उस दिन की संपूर्ण जानकारी और पूजा की विधि आपको मिल सके, जिस तरह से आप भगवती माँ की पूजा कर सकें। और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं हम आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय माता दी।